आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से LIC की प्रीमियम को जमा कर सकते हैं, किस तरह से पेटीएम के द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा किसी भी बीमा किस्त या किसी भी इंश्योरेंस को किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखिए जैसे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर इसका इंटरफेस इस तरह से शो हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा स्वाइप अप करना है। देखिए यहाँ पे हम पेटीएम को स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ एक रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे व्यू मोर पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे यहाँ व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे गेटिंग योर बिल्स, यहाँ पे आपके जो ओल्ड बिल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद में सिंपली यहाँ थोड़ा नीचे जाना है, जैसे कि यहाँ पर रिचार्ज, पे योर होम बिल्स। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विस, तो यहाँ जो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर आपको LIC एंड इंश्योरेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं सिंपली यहाँ LIC एंड इंश्योरेंस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा और यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यदि आपकी इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं है, इस सारी जो इंश्योरेंस शो हो रही है इसके अंदर नहीं है, तो आपको सर्च टैब में इंश्योरेंस है यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि मेरी LIC ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ सिंपली इस पर टिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो LIC प्रीमियम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए LIC ऑफ इंडिया, इसके बाद पॉलिसी नंबर, तो यह आपके पास में जो पॉलिसी नंबर है उस पॉलिसी नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो सिंपली मैं उस पॉलिसी नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपली मैं फटाफट इसमें यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिख दिया है। यदि आपको LIC ऑफ इंडिया की जगह कुछ दूसरा कोई भी इंश्योरेंस है उसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ चेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो बिल है उस बिल का नाम क्या रखना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं, तो आपका जो बिल है वो सेव हो जाएगा। सिंपली ये सारी डिटेल भरने के बाद में एक ऑप्शन है प्रोसीड, प्रोसीड पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो पेटीएम का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाएगा आपकी किस्त कितनी है, ड्यू डेट कितनी है और कस्टमर नेम क्या है। तो यहाँ पर सिंपली सारी डिटेल शो हो रही है कि कितनी पेमेंट देनी है, कितना इंश्योरेंस डेट है, कौन सी आपकी ड्यू डेट है, तो सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए सिंपली यहाँ पे हम आई बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी चीज़ दिखाई दे रहा है कि कितनी इंस्टॉलमेंट है और टोटल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है। यहाँ पे सिंपली प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास प्रोमो कोड है तो यहाँ प्रोमो कोड के ऊपर आप क्लिक कीजिए, यदि प्रोमो कोड नहीं है तो यह सिंपली इसको बैक कर दीजिए और सिंपली यहाँ प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मेरे पास प्रोमो कोड नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैंने प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे प्लीज़ वेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी UPI या कोई भी बैंक है आपका उधर से आपको आपका UPI पिन डाल देना है। जैसे ही हम पिन डाल देंगे तो यहाँ पे कुछ समय लेगा और कुछ समय लेके बाद में यहाँ लेने के बाद में यहाँ से जो अपनी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पेटीएम का जो ऑप्शन है कि यहाँ पे आपने प्रोमो आपका जो है पेटीएम के द्वारा इंश्योरेंस कर दिया है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे PDF में तो ये आपका जो इनवॉइस है वो इस तरह से शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेटीएम के द्वारा आप अपनी इंश्योरेंस के जो किस्त है बीमा है उसको भर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे देखिए इसका आपको बिल देखना है तो आप अपनी ईमेल पे जाके इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर में जाना है और डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो एक PDF का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप अपना जो प्रिंट है वो प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप अपना इंश्योरेंस को आप आसानी से पेटीएम के द्वारा अपना जो बिल है उसको भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके हमारे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।